अच्छा देखें देखें विंडोज़ जी, विंडोज़ जो है ना वो दो तरह से हम कर सकते हैं, दो तरह से विंडो होती है। अब मेरी बातों पे गौर करना है। अब नंबर वन तो विंडोज़ जो होती है ना वो डीवीडी से होती है, सीडी से होती है। आप लोग डीवीडी या सीडी लेके आते हैं मार्केट से और वो आपके आप इसके सिस्टम के डीवीडी सीडी रोम में डालते हैं और आप जो है ना विंडोज़ इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। वो जो विंडो होती है वो बूटेबल होती है, वो जो डीवीडी या सीडी बूटेबल होती है। अच्छा, बूटेबल का ये मतलब होता है जब आप सिस्टम को स्टार्ट करें तो आपका सिस्टम जो है ना वो जनाब विंडोज़ को बूट कर दें, यानी स्टार्टिंग से वो जो है ना विंडोज़ को ही इंस्टॉल करना शुरू कर दें। तो पहला तरीका तो हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि यूएसबी से होती है। जैसे हम लोग अभी यूएसबी से विंडो करने लगे तो यूएसबी से विंडो करें या आप डीवीडी सीडी से करें, बात एक ही है। थोड़ी सी सेटिंग आपको करना पड़ती है, वो मैं बताता हूँ। अपने सिस्टम को पहले नंबर पे दो, सिस्टम को जब स्टार्ट करना है, मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ अभी फ़िलहाल। हम लोग सेटअप में जाते हैं फिर जाके देखते हैं ना क्या। इस लैपटॉप के सेटिंग सेटअप में हम कैसे जाते हैं, F2 प्रेस करते हैं, ये सेटअप आ जहाँ पे कहीं बूट सीक्वेंस के ऑप्शन को ढूंढना है हमने, ये ऑप्शन है जी बूट सीक्वेंस, और यहाँ से यूएसबी वाले को हमने फर्स्ट पे रखना है। बूट सीक्वेंस डिस्क ड्राइव इंटरनल यूएसबी इन दिस वन, सबसे ऊपर हम रखेंगे यूएसबी को, तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। नहीं सबसे ऊपर में ले आया यूएसबी स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि मैं विंडो यूएसबी से करना चाह रहा हूँ। इसको जी अप्लाई कर देते हैं और इसको हम एग्जिट कर देते हैं। अब जो है ना हमारा सिस्टम अब USB से बूट होगा।